जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में स्पेशल एजुकेटर्स अकादमी रिसोर्स पर्सन व कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के ARV SRG व स्पेशल एजुकेटर्स के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि जो आउटर्स के बच्चे हैं उसमें शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए व दिव्यांग बच्चों को जो सामर्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं, तकनीकी जानकारी व योजनाओं की रूपरेखा बताई गई है तथा नई सामग्री जो क्लास रूम में प्रेषित हुई है उसका उपयोग कैसे करना है और अभिभावकों के समुदाय को कैसे जोड़ना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है जिससे इन सभी छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिले। इस अवसर पर BSA रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नामांकन की बात हो, उनको विभिन्न उपलब्धियों में आचरण की बात हो और मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, विशेषकर नामांकन में और उनको स्कूलों तक लाने के लिए जो आपने प्रयास किया, जितने भी अच्छे सफलता की कहानियां हैं उन सभी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। इसमें मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपसे ही इस जनपद के लिए रणनीति कार्य योजना विकसित कराना चाहते खड़ा होता। आप में से कितने लोग 5 साल से ज्यादा इस विभाग में कार्यरत आप रहे हैं, कितने बच्चे हमारे पिछले 5-10 साल से जो कार्यरत हैं पढ़ रहे हैं हमारे सिस्टम में वो हायर एजुकेशन की ओर अथवा और बच्चे हैं? सर मेरे यहाँ कम से कम 24 बच्चे हुए हैं जो कि कौन सा ब्लॉक है आपका? जो कि विश्वविद्यालय है जी बी और स्पेशल ग्रेड कर रहे हैं और बाकी बच्चे जो है अभी थर्ड ईयर में बेसिक ईयर में कुछ। आप में से कितने लोगों ने बच्चों को बटों में पते में काम करते हुए देखा है? नहीं, आज जनपद के ARP SRG और स्पेशल एजुकेटर्स के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आ रही है। इसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं के बारे में, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं हमारे उसमें शारदा कार्यक्रम के तहत उनको आच्छादित करते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और हमारे दिव्यांग बच्चे जिनको सामर्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित करते हुए मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी बुनियादी दक्षताएँ ठहराव आदि के बारे में तकनीकी जानकारी और योजना की रूपरेखा उनको बताई गई है। नई सामग्री जो क्लासरूम में प्रेषित हुई है उसका उपयोग कैसे करना है, कक्षाओं की पद्धतियाँ कैसे सुधारना है, अभिभावकों को और समुदाय को कैसे जोड़ना है ताकि इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, इसी के बारे में विस्तृत चर्चाएं हो रही हैं। सभी शिक्षकों में स्पेशल एजुकेटर्स में बहुत अच्छा जज्बा और संकल्प दिख रहा है। इससे उम्मीद है कि जनपद में इन दोनों महत्वपूर्ण विषय में हमें बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल होंगी।